ये वाली फ़ीमेल है, ये वाली फ़ीमेल और ये वाला मेल, इसके बच्चे आपने देखे होंगे यहाँ पे रखे थे, ये देखिए। अरे यार चलो इसको साइड में रख देते हैं, यहाँ पे रखे होंगे। कहाँ गए? चना यार इसके अंदर फोड़ रहा हूँ मैं तो बस। ए बेटा, ए बेटा, ए बेटा, ये देखिए। अरे ये क्या, यहाँ पे आपको देखा होगा ये वाली फ़ीमेल है जिसका हम जोड़ा लगा रहे हैं दूसरे कबूतर से। ये कर क्या रहा है यार, ये अपने बच्चे क्यों समझ रहा है उसे। तो यहाँ पे आए, ये कबूतर का जोड़ा है ना अंडे रखने वाला है बहुत जल्द, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है ये वाला मेल है ना जो हमने पकड़ा था, इसका है ना इस फीमेल के साथ जोड़ा लग गया है जो हमारे घर का बच्चा है, और ये लगता है बहुत जल्द अंडे रख देगा क्योंकि भगा रहा है इसे और इनने मीटिंग भी बहुत बार कर ली है, और ये दौड़ाता रहता है, इसे मारता है, दाना भी नहीं खाने देता है। आप मुझे बताइए किस तरह के बच्चे निकलेंगे, क्योंकि है ना ये ब्लैक है और वो वाइट, तो बहुत अच्छे बच्चे निकल सकते हैं। जो हमने पकड़ा था वो वाला मेल है और हमारे घर का वाइट फुल वाइट कबूतर की फीमेल है, और यहाँ पर दोनों अंडे रख देंगे। जब मैं आपको बता दूँगा कहाँ पर रखेंगे ये, अभी तो हमें नहीं पता यार, इन्हें नेस्टिंग वेस्टिंग कर रहा है या नहीं कर रहा है हमें नहीं पता है, अंडे रख देंगे तो हमें पता चल जाएगा। और आज है ना एक बहुत खतरनाक वाली है ना बैड न्यूज़ है, जो कि मैं आपको नहीं दिखा सकता, बता सकता हूँ मुँह से ज़रूर बता दूंगा लेकिन दिखाऊंगा नहीं यार मैं, क्योंकि दिखाने वाली है ही नहीं है वो। और आज है ना एक गुड न्यूज़ भी है, गुड न्यूज़ मैं आपको बता दूंगा और दिखा भी दूंगा, तो बहुत ज़्यादा प्यारी गुड न्यूज़ है। तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप और आपके सारे ही पेट एनिमल अच्छे होंगे। दोस्तों आज है ना हमारे सेटअप पे एक बहुत प्यारी गुड न्यूज़ आई हुई है, जिसका यार हम सब बहुत दिनों से इंतजार कर रहे थे, शायद आप कर रहा हो, मैं तो बहुत दिनों से इंतजार कर रहा था यार उस गुड न्यूज़ का। तो आज फाइनली वो गुड न्यूज़ आ चुकी है, लेकिन एक बैड न्यूज़ भी है, वही मैं आपको बता दूंगा क्या बैड न्यूज़ है, बहुत ज़्यादा बुरी बैड न्यूज़ है यार वो भी। चलिए मैं क्या करता हूँ, पहले आपको गुड न्यूज़ दिखा देता हूँ, फिर यार मैं बैड न्यूज़ बताऊँगा। तो यार यहाँ पर है ना एक गुड न्यूज़ है, दिखाता हूँ मैं आपको यहाँ पर। अरे ये क्या, यहाँ पर आपको देखा होगा ये वाली फ़ीमेल है जिसका हम जोड़ा लगा रहे हैं दूसरे कबूतर से। ये कर क्या रहा है यार, ये अपने बच्चे क्यों समझ रहा है उसे, देखिए उसे इनक्यूबेट करने लगा, जबकि ये वाली फ़ीमेल है वो, अम्मा भगाएगी इसे मार के, ये एक ही लड़ाई होने लगी दोनों में। अरे यार भाई ये रेड वाली फ़ीमेल के बच्चे हैं और बच्चे को नुकसान हो जाएगा यार, तुम इधर आओ। वाइट वाली फ़ीमेल ये क्या कर रही है यार, ये इसके ना बच्चे हैं ना कुछ है, ना इसका जोड़ा लगा है, ये भी तो नहीं रखे, क्या पता यार ऐसा हो सकता है, इसके रखे हो सकते हैं कहीं नहीं। तो पता नहीं यार भाई, ये वाली रेड वाली फीमेल का बच्चा निकल गया था, ये गुड न्यूज़ थी। देखिए मैं आपको बता रहा था ये शेल टूट चुका है, एक अंडा तो इसका ख़राब है जो साइड में पड़ा हुआ है, जो कि इन्हें साइड में कर दिया है, तो उस अंडे को हम फोड़ के देख लेंगे, वैसे ही पानी निकलेगा उसके अंदर। और ये वाली फ़ीमेल पता नहीं क्यों अंडे पर ही बैठ रही थी आगे पहले इनक्यूबेट करने के लिए, और अब बच्चों को भी इनक्यूबेट करने के लिए आ गई है, तो पता नहीं क्या यार इसका, ये फ़ीमेल है और इसका मेल है ये वाला, ये देखिए ये मेल है ये वाला, ये जा रहा है ना सामने जो हम 200 रुपये में खरीद के लाए थे फीमेल समझ के, लेकिन ये मेल निकला, तो इसके इस फीमेल के साथ जोड़ा लग चुका है इसका और बच्चे भी निकल चुके हैं माशाल्लाह, लेकिन ये वाली फ़ीमेल है ना इसको अपने अंडे और बच्चे समझ रही है, तो इसका जोड़ा है ना हमें उस वाले कबूतर से लगाना था, तो आज है ना सुबह सुबह छूट गई, वो पकड़ा नहीं रही है अब, नहीं तो है ना मैं इसके अंदर डाल देता जोड़ा लगने के लिए, तो वो हमें ना रात में डाल देंगे, एक काम करेंगे रात में साथ में डाल देंगे इन्हें दोनों को, जिससे यार इनका जोड़ा जल्दी लग जाए, क्योंकि मुझे लगता है अब ये भी है ना अंडे मंडे जल्दी दे देगी, क्योंकि अंडों को इंक्यूबेट कर रही है। अगर ऐसा हो सकता है आप मुझे कमेंट में बताइएगा, अगर हम इसके नीचे है ना मुर्गी का एग रख दें तो ये इंक्यूबेट करेगी या नहीं, क्योंकि ये वाले अंडों को ये इंक्यूबेट कर रही थी, ये वाली फ़ीमेल के जो अंडे रखे हैं ना उनको वो ये इंक्यूबेट कर रही थी, तो मुर्गी का अंडा बताइएगा ये इंक्यूबेट कर सकती है या नहीं। अगर ये कर सकती है ना तो हमें ना इसके नीचे मुर्गी का अंडा ज़रूर रख देंगे, अगर आप सब कमेंट में बोलेंगे तो हम रख के ज़रूर देख लेंगे। और बैड न्यूज़ मैं आपको दिखा नहीं सकता यार, जो कि मैं आपको मुँह से बता देता हूँ, ये वाली फ़ीमेल है, ये वाली फ़ीमेल और ये वाला मेल, इसके बच्चे आपने देखे होंगे यहाँ पे रखे थे, ये देखिए। अरे यार चलो इसको साइड में रख देते हैं, यहाँ पे रखे होंगे। कहाँ गए ना बच्चे, कहाँ गए बच्चे? अरे यार यहाँ पे है ना फैंसी कबूतर के बच्चे रखे थे, कहाँ गए पता नहीं यार। यहाँ पे देखिए इनका घोंसला है और दोनों बच्चे नहीं है, लेकिन ये बैड न्यूज़ नहीं है यार, उनके बच्चे हैं ना शिफ्ट कर दिए, तो मैं आपसे मजाक कर रहा था, ये मैं आपको दिखा भी नहीं सकता अभी, क्योंकि है ना यहाँ पे क्या हो रहा था, जो हमारे फैंसी कबूतर के बच्चे थे ना, एक माशाल्लाह बहुत ही अच्छी कलरिंग में निकला है उसके, है ना नज़र नहीं लग जाए, हमारी नज़र लग गई, किसकी नज़र लग गई यार, क्या हुआ उसके साथ, मरा नहीं है वो, लेकिन है ना बहुत ज़्यादा ज़ख्मी हो चुका है, पहले भी उसके साथ है ना ऐसा हुआ था, पता नहीं कौन ज़ख्मी कर रहा है यार, हमारे कबूतर कर रहा है या कोई और कर रहा है, मतलब वो अलग ही कलर में निकला है यार। ये वाला मेल है देखिए, मैंने है ना इसके अंदर शिफ्ट कर दिया है, ये नीचे वाली पेटी है ना इसके अंदर है वो, ये नीचे वाली, ये तवे वाली के नीचे, इसके नीचे मैं आपको दिखा दूँगा कुछ दिनों में, जब बिल्कुल अच्छा हो जाएगा, हेल्दी हो जाएगा। अभी तो है ना उसका जो सर होता है ना, उसकी जो मुंडी होती है उसके ऊपर है ना किसी ने मारा हुआ है बहुत तेज़ है यार, और गर्दन में ही मारा था, गर्दन में हमने पाउडर लगा के उसका ट्रीटमेंट कर दिया था। अब हमने एक बार सर में रात में मारा था, फिर मैंने क्या करा इसमें शिफ्ट करके इसमें कर दिया, जब मैं आपसे बोल रहा था इसमें कहाँ गया यार, मजाक कर रहा था मैं तो आपके साथ। तो ये बैड न्यूज़ नहीं थी, लेकिन बैड न्यूज़ तो वही है यार, उसके सर में बहुत तेज़ लगी यार,
मतलब मैं क्या बताऊँ यार, बहुत ज़्यादा तेज़ लगी है। ये वाली फीमेल है और मेल कहाँ गया, ये वाला मेल है। इनके बहुत ज़्यादा प्यारे बच्चे निकले हैं और ये वाले बच्चे भी है ना बहुत ज़्यादा प्यारे हो रहे हैं। तो इनकी तो अभी इतनी अच्छी ग्रोथ नहीं हुई है जितनी फैंसी कबूतर के बच्चों की हुई है, लेकिन है ना उसको मारा किसने ये समझ में नहीं आ रहा है। तो ये वाला अंडा क्या है, ख़राब है, गर्म सा तो हो रहा है, देखें क्या फोड़ दूँ यहाँ पे, गंदा नहीं करना। लेकिन एक काम करते हैं, कहाँ फोड़े इसके अंदर फोड़ लेते हैं, है ना। ये देखिए यार गाइस, मैं अंडे को फोड़ने वाला हूँ, ये वाले जो हमारे कबूतरों ने अंडे रखे थे ना, इसको मैं फोड़ने वाला हूँ। हाँ इस तरह से फोड़ दूँ क्या, चलो फोड़ देता हूँ यार। ये देखिए बच्चा ना हो यार इसके अंदर, फोड़ रहा हूँ मैं तो बस, हो फूट ही गया आपका बच्चा, होगा भी तो गया नहीं है। नहीं है, मुझे पता था यार, ये तो ऐसे हम थोड़ी अंडों को फोड़ के देखते। ये देखिए क्या ख़राब निकला, हाँ तो ख़राब हो गए, बदबू आ रही है, आएगी बदबू तो बहुत, हमें पता है यार, बहुत अंडे अंडे फोड़ चुके हैं यार हम, डक के अंडे ही फोड़े थे। ये देखिए इसके अंदर कुछ नहीं था, आप ध्यान से देख लीजिए, नहीं तो आप बोलें यार उसके अंदर बच्चा था। ये देखिए ये क्या है, अनफर्टिलाइज्ड एग था। ये देखिए यहाँ पे बच्चा मच्चा कुछ नहीं था। मैं आपको एक लकड़ी से भी दिखा देता हूँ, नहीं तो बहुत से भाई कमेंट करेंगे, मुझे पता है कि यार इसके अंदर बच्चा था, ये था वो था, लेकिन ये देखिए आप, बच्चा मच्चा कुछ नहीं था यार, अभी देख लिया आप क्लियरली। ये देखिए आपको भी पता होगा यार अनफर्टिलाइज्ड एग कैसा होता है, पानी पानी निकल रहा है यार इसके अंदर पूरा। तो इसको हम फेंक के आ जाएंगे, अभी कर देते हैं इधर कमरे के अंदर साइड में। ये देखिए बहुत कर रही है, स्मेल आ रही है यार, हाथ धो के आता हूँ मैं जल्दी से। तो यार मैंने अपने हाथ माथा धो लिए हैं और यहाँ पे है ना हमारा कैप्टन, कैप्टन में कमेंट आ रहा था रात में यार, आपको इसका नाम है ना कैप्टन अमेरिका नहीं रखना चाहिए था, बहुत लंबा नाम है। तो यार इसका नाम हमने कैप्टन अमेरिका तो रखा है, वो इसका फुल नेम है, जैसे सबके नाम होते हैं ना फुल नेम, सर नेम मर नेम ऐसा होता है, तो हमने इसका नाम फुल रखा है कैप्टन अमेरिका, लेकिन इसे हम सब प्यार से है ना कैप्टन बुलाया करेंगे। तो यार अच्छा भी लग रहा है कैप्टन, और इसकी आप सब कमेंट में कह रहे थे यार इसकी ट्रेनिंग दिखाएं कैसे चल रही है, इसको बुला के दिखाएं यार आप, ये नीचे आता है या नहीं आता। तो मैं आपको दिखा दूंगा अभी यार, यहाँ से बिठा के दिखाऊंगा और नीचे आ जाता है मेरे बुलाने से, फिर एक दिन है ना इसकी पूरी जब ट्रेनिंग हो जाएगी ना, फुल कंप्लीट ट्रेनिंग हो जाएगी, फिर मैं आपको दिखा दूंगा ये किस तरह का ट्रेंड हुआ है कबूतर। और यहाँ पर देखिए ये क्या खाने में लगे हैं, रोटी पड़ी शायद, हाँ रोटी खा रहे हैं यहाँ पर। और यहाँ पे अब हमारे कबूतर ऊपर नहीं जाते हैं जब से बेरी ने अटैक करा है, ये वह बहुत कर रहा है अटैक मेरे आंखों के सामने कर दिया था, तो जब से है ना ये नीचे ऊपर नहीं जाते हैं, नीचे ही रहते हैं, और आज है ना ऊपर काम चल रहा है तो ऊपर भी नहीं जा सकते पूरे में यार, यहाँ पे है ना जीनों पे भाड़ा बंधा हुआ है जिससे यार हम ऊपर नहीं जा सकते और ऊपर के बंदे नीचे नहीं आ सकते, ऐसा हो रहा है। तो ऊपर तो अभी हम नहीं जाएंगे और इसलिए हमने ऊपर काम भी नहीं करवाया क्योंकि इधर पे काम रुका हुआ है, तो हम ही नहीं जा सकते ऊपर, तो काम क्यों करवाएं यार हम जब ऊपर का भाड़ा खुल जाएगा ना, जब हमें ना वो काम करवा लेंगे जो हमारा काम रहता है ना। और अब जल्दी से जल्दी यार हमारे इंगल कसाने वाले हैं, बस हम पेंट लेके आ रहे हैं कल। मुझे इस कबूतर पर शक हो रहा है यार, इसने तो नहीं मारे उन बच्चों को, मैं आपको दिखा दूंगा जब बच्चे हैं ना थोड़े से हेल्दी हो जाएंगे, क्योंकि यार बहुत बुरी हालत कर दी है मार मार के, मैं क्या बताऊँ यार, बच्चे पिटते हैं तो कितना बुरा लगता है यार कबूतर के। और ये वाले बच्चे को मैंने आपको दिखाया ही नहीं यार बातों बातों में, ये तो ये देखिए ये शेल निकला पड़ा है और इसका एक अंडा हमने फोड़ दिया है। अरे रुक जाओ रुक जाओ, माशाल्लाह पहली बार इन्हें है ना बच्चे निकाले हैं, क्योंकि फर्स्ट टाइम ये है ना मदर बनी है फीमेल, ये वाली फीमेल है जो हमारे घर की है यार, ये सबसे अच्छी बात तो ये है हमारे घर की है, इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ। ये देखिए माशाल्लाह, सब माशाल्लाह बोल देना यार कमेंट में। ये देखिए ये देखिए बहुत ही प्यारा बच्चा है, तो रख देते हैं यार इसे, अच्छे से केयर करेंगे यार ये, उम्मीद करता हूँ। ओ भाई 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 मार रही है ये तो, चलो बच्चा उसके चला गया है। और ये वाले है ना कबूतर इसके अंदर जाते हैं, सोचते हैं हमारे बच्चे कहाँ गए। ये देखिए ये देखिए ये देखिए यार, तो पहले भी क्या करा था यार, मुझे लगता है ये मुर्गी करती है या कोई कबूतर करता है, तो ऐसा हो सकता है, और ऐसा हो सकता है कि ये माँ बाप मारते हो इसे अपने बच्चों को, क्योंकि यार हो सकता है ऐसा, लेकिन ऐसा इनके मुँह पर खून नहीं लग रहा था, तो मुझे लग रहा है ये मुर्गी करती है, ऐसा मुर्गी ज़रूर कर सकती है। एक बार है ना छोटे में आपने देखा होगा, उसने साइड में कर दिया था बच्चे को और वो निकाल के लंबी लंबी सांसें ले रहा था, ऐसे ऐसे मुँह खोल रहा चोंच खोल रहा था, तो शायद मुर्गी कर सकती है। बड़ी मुश्किल से बचाया था यार हमने, वो ब्लैक बच्चा था और वो बिल्कुल ठीक है, लेकिन जो एक अलग बच्चा निकला है ना वो तो यार मैं आपको बता दूंगा बाद में, अभी नहीं बता रहा हूँ, तो यार पूरा मज़ा ख़राब हो जाएगा बाद में देखने का, जो एकदम देखते हैं ना बच्चों को बड़े होते वो मज़ा ख़राब हो जाएगा। तो अब हम क्या करते हैं कैप्टन की ट्रेनिंग करवा के दिखाते हैं, मैं क्या करता हूँ इसको बाहर निकाल के यहाँ पर रखता हूँ और इसकी फीडिंग ले जाके नीचे खड़ा होता हूँ और इसकी ट्रेनिंग दिखाता हूँ किस तरह की चल रही है। तो यार यहाँ से है ना मैं नीचे आ चुका हूँ और यहाँ पर दो चने लेके आ चुका हूँ और हमारा है ना कैप्टन बैठा है ऊपर, तो चलिए देखते हैं यार ऊपर से बुलाता हूँ उसे।
वहाँ पे बैठा है या नहीं बैठा। मैंने खोल तो दिया है। ए बेटा, ए बेटा, ए बेटा, ये देखिए इस तरह की ट्रेनिंग चल रही है यार। आवाज़ से एक चना दे दिया है मेरे से। अब यहाँ पे है ना, फिर से हल्का उतरे, ये देखिए। अब देखिएगा मैं जा रहा हूँ दूर, ये देखिए। अच्छा ए बेटा, अभी इस चना नहीं दूंगा मैं, जब ये मेरे बुलाने पे आया जब ही देता हूँ चना। इसे देखिए बेटा, इस तरह कुछ ट्रेंड हो रहा है हमारा जंगली कबूतर का बच्चा, जिसका नाम हमने कैप्टन रख दिया है। मैं कभी कभी जंगली कबूतर बच्चा बोल देता हूँ, इसका नाम हमने कैप्टन रखा हुआ है। और इस तरह से है ना, अब मैं इसे ट्रेनिंग दे देता हूँ और फिर मैं आपसे मिलता हूँ इसे पूरी फीडिंग वीडिंग और ट्रेनिंग पूरी करने के बाद। तो यार यहाँ पे है ना, इसकी मैंने ट्रेनिंग करवा दी है और पानी नहीं दिया है अभी, क्योंकि यार ये अभी ट्रेनिंग करके आया है तो तुरंत पानी नहीं दे सकते हम इसे। थोड़ी देर से पानी देंगे। हमने इसको फीडिंग करवा दी है पूरी, ट्रेनिंग भी पूरी करवा दी है। अब क्या करते हैं यार, हमें कबूतरों को हमारे दाना डालते हैं। देखिए सारे बैठे हुए हैं, जल्दी से ढक्कन खोलता हूँ। अया लो, देखिए यहाँ पर डाल दिया दाना। नहीं तो ये थोड़ी देर में क्या करते हैं यार, ये डोरी पे जाना शुरू होने वाले थे मुझे लगता था, क्योंकि यार जब भी नहीं है ना ये भूख प्यास, जब भी कुछ भी लगता है, भूख प्यास तो नहीं, भूख जब भी लगती है तो ये डोरी पे जाना स्टार्ट हो जाते हैं। इनको यहाँ पे डालता हूँ। लो वो अलग अलग बैठे थे तो इनको मैंने अलग डाल दिया है, आ नहीं रहे थे इस साइड। लास्ट पानी भर देना इन्हें यहाँ से। तो देखिए यार दानिश ने धो भी दिया है, पूरा गंदा हो रहा था, अब नया पानी भर रहा है। थोड़ी देर से हम हमारे है ना कैप्टन को है ना हम पानी पिला देंगे। मैं कभी कभी यहाँ जंगली कबूतर का बच्चा बोल देता हूँ यार, क्योंकि वो आदत में है हमारे कैप्टन, धीरे धीरे आदत में आ जाएगा। तो यहाँ पे है ना इनको दाना डाल दिया है मैंने, अभी दाना खा के है ना बच्चों को फीडिंग करा देंगे। लेकिन दाने से है ना सबसे पहले तो मैंने क्या करना, मुर्गा मुर्गियों को बंद करना आज, नहीं तो है ना वो बच्चे को फिर से मुझे लगता है मुर्गी मार रही है ऐसा लग रहा है मुझे तो। इसलिए मुर्गा मुर्गियों को एक काम करना, पूरे को ढूंढ ढांढ के ही बंद करो जाओ पूरों को। और कबूतर को दाना डाल दिया यहाँ पे, तो अब यहाँ पे रिलैक्स है बिल्कुल। तो बस यार यही थी आज की वीडियो, उम्मीद करता हूँ आपको आज की हमारी ये वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आएगी वीडियो को लाइक जरूर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना है। मिलते हैं किसी नए इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।